अगर आपके कबूतर के बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं तो ये ज़रूर देना, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आपके सारे कबूतर एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अंडे बच्चे कर रहे होंगे। तो मैं हूं अर्पित और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पिजन वर्ल्ड पे। तो आज मैं बताने वाला हूं एक मेरे जो कबूतर है फैंसी कबूतर, उसका बच्चा जो नीचे गिर गया था तो उसको पूरा मार कर सब पूरा इसका टकला कर दिया है। तो मैं उसको दिखाता हूं आपको, ये देखो यही कबूतर, ये देखो यही कबूतर है। मैं इसका 15 दिन से इलाज कर रहा हूँ तो ये अब एकदम ठीक है, अब इसका बाल आने लगेगा। मैंने इसको कंटिन्यू 15 दिन देखभाल किया है। मुझे तो लगा था ये नहीं बचेगा, इसलिए मैंने उस समय वीडियो नहीं बनाया था अब, लेकिन ये बहुत ठीक हो गया। ये देखो यहाँ से पूरा फट गया था और अंदर से पूरा मांस दिख रहा था, तो मैंने तो दवा लगाया, ये सब ठीक अब हो गया, ये सब रिकवर हो गया, बस इसका बाल आना बाकी है। तो मैंने ये सब कैसे किया, और अगर आपके कबूतर के भी को भी ऐसा हो रहा है या कमज़ोर हो जाते हैं कबूतर बड़ा होने के बाद, तो उसको क्या दवा देना और कैसे ठीक करना है मैं सब बताऊंगा। तो एक बार चेक कर लेना कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, इससे मैं जो भी वीडियो नया बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप लोग के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले देखो, अगर इधर कोई इधर इसको मारा हुआ है, मैं इसमें अभी फिटकरी लगाऊंगा जिससे इसके सारे बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब तो बहुत रिकवर हो गया है, मैं फिर भी लगा दूंगा, उसके बाद मैं इसको बोरो प्लस लगा दूंगा जिससे इसको घाव को ठीक होने में आसानी होगी। ये बहुत जल्दी इसको ठीक कर दिया है ये, तो आप पहले मैं वीडियो दिखाता आपको, ये पूरा ये फटा हुआ था बीच से, मैं तो लगा तो मुझे ये नहीं बचेगा, लेकिन ये ठीक है एकदम अच्छा खासा एकदम है। अगर आपके कबूतर सुस्त हो रहे हैं तो उसका भी मैं बताऊंगा, उस समय ये कबूतर भी सुस्त हो गया था तो मैं इसको कैसे ठीक किया था और कैसे टेक केयर किया था जो अभी तक ये बचा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ दवा, और जो इसको मारा था मैं उसको भी दिखाता हूँ कौन इसको ऐसा इस हालत में किया था। देखो भाई यही है, यही नर है जो इसको पूरा मार कर टकला करके पूरा इस हाल में कर दिया था कि ये बचने लायक नहीं था। मैंने गुस्सा में इसको भी लेकर मार ही रहा था कि इसको भी पखर कर पटक दिया था, इससे ये देखो ये छिला उला गया था। करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय इतना गुस्सा आ गया था कि बच्चा को मार रहा था और गेट खोले लॉफ्ट का तो भी ये मार ही रहा था, तो गुस्सा में इसको लेकर पटक दिए। लेकिन ये भी अब ठीक हो गया है, ये देखो ये घाव हो गया है, ये जल्दी ये भी रिकवर हो जाएगा, इसका पंख भी आ रहा है, ये 10 से 15 दिन में ये ठीक हो जाएगा। उसका भी उतना ही टाइम लगा वो ठीक होने में और इसका भी उतना ही लग गया। ये बहुत पुराना नर है मेरे के यहाँ, ये बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं, इसलिए मैं इसका जो अंडा है फेंक देता हूँ और फैंसी कबूतर जो है उसका मैं डाल देता हूँ। तो चलिए मैं दवा देता हूँ, अगर आपके कबूतर के बच्चे भी कमज़ोर हो रहे हैं तो क्या देना, चलिए। इसमें मैंने लीवर 52 डाला है और इसमें अभी मैं इलेक्ट्रोल पाउडर डालूंगा जिससे लूज मोशन जो हो जाते हैं कबूतर के बच्चे को, वो उसको बहुत जल्दी रिकवर करेगा।